नमः शिवाय। प्यारे साथियों, हर बार की तरह आज भी एक बहुत ही रोचक प्रश्न है कि गुरु जी, क्या हमारी मृत्यु का समय फिक्स होता है, या जिस दिन हमने मरना है तो क्या वहीं पर उसी स्थान पर जाकर के और उसी समय पे हमारी मौत होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी हर बार की तरह मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। रीजन इज ये प्रश्न, मृत्यु का जो डर है, हर इंसान के मन में मृत्यु का कितना डर होता है। जरा सा भी मृत्यु का जो सोचते ही इंसान भयभीत हो जाता है। तो वास्तव में अगर ये डर समाप्त हो जाए इंसान का, तो उसकी जिंदगी कितनी बढ़िया हो जाएगी, कभी आपने सोचा? एक तो इंसान वो है जो बेहोश है, जिसको यही नहीं पता कि किस क्षण मेरी मृत्यु आ जाएगी। वो अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ है, काम धंधे में लगा हुआ है, घर परिवार की जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, और पूरी तरह से इसको भूल के चल रहा है कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। और एक इंसान भक्ति भाव में, भगवान की सेवा में, गरीबों की सेवा में लगा हुआ है, जिसको अपनी मृत्यु का निरंतर बोध आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी वो फिर अच्छे कर्मों में लग जाता है, कभी फिर वो भूल करके बुरे कर्मों में लग जाता है, फिर कभी निराश होता है तो सोचता है कि मरना तो है ही है, फिर उसके मन में संसार की आशाएं जगती हैं, फिर वो उसी कर्मों में दोबारा से लग जाता है। और एक इंसान ऐसा होता है जो निरंतर हर एक क्षण अपनी मृत्यु को याद रखता है, जिसको साधक कहते हैं, जो पूर्णता एक जागृत व्यक्ति है, जो पूरे होशो हवास में रहते हुए अपनी साधनाओं का चयन भी उस तरह से करता है कि जो साधनाएं उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने वाली है। जितने लोग पूछते हैं भैया, ये तंत्र मंत्र की साधना, ये वशीकरण वशीकरण, न जाने कितने प्रकार की साधना के बारे में जो पूछते हैं, तो किसी ने योगिनी की साधना करनी है, किसी ने यक्षिणी की साधना करनी है, तो ये जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे कर्ण पिशाचनी है या कोई भी है, तो ये वो साधनाएं हैं कि जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप इन साधनाओं का लाभ उठा सकते हो। परंतु एक समय ऐसा जरूर आएगा, आना ही है, कि जिस दिन इस साधना का फल जीरो हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर से आप अपने उस साधना के दौरान या साधना करने से पहले जो भी आपके कर्म थे, उसी कर्मों के अनुसार फिर आपको अगला जीवन मिलेगा। अब यहां पर बात हो रही है कि मृत्यु कैसे फिक्स होती है हमारी। पहले प्रश्न आया तो उसका उत्तर तो पहले मैं शॉर्ट में दूंगा कि हमारे मृत्यु की जगह और समय पहले से सुनिश्चित है। अब किस व्यक्ति ने किया उसको सुनिश्चित हमारे लिए, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है कि ऊपर कोई बैठा है हेड ऑफिस लगा के, कि वहां पर हमारा जो चित्रगुप्त बैठे हैं, कोई पहले बचपन में कहते थे कि हमारे एक बाएं कंधे पे बैठा है, एक राइट कंधे पे बैठा है, एक हमारे अच्छे कर्म नोट करता है और एक हमारे राइट पे जो बैठा है वो हमारे बुरे कर्म नोट करता है, और बताते हैं कि यमदूत आते हैं, बहुत सारे इस तरह के मैंने वीडियोस भी अपनी लाइफ में देखे। परंतु मेरे जीवन काल में, मेरी ध्यान की पूरी यात्रा में, मैंने आज तक कभी भी यमदूतों को नहीं देखा, ना ही मैंने स्वर्ग देखे, ना ही मैंने नर्क देखे, ना ही मैंने कोई भी सतलोक देखा, ना ही कोई बैकुंठ लोक देखा। परंतु जिसको बैकुंठ कहते होंगे, वो जो सच्चित आनंद है, जो भगवान का परम धाम है, जो आनंद है, जो आनंद स्वरूप हमारे गुरु जी जिसको कहते हैं, मैंने तो केवल आनंद को देखा, उस मस्ती को देखा, उस शून्य के जो बड़े बड़े जो आनंद है, जो बेअंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं आता, सिर्फ मैंने वही देखा। उस यात्रा के दौरान जब मैं अपने अचेतन की गहराइयों से गुजरा और जब मैं अपने इस शरीर को छोड़ करके जब पहली बार आउट ऑफ बॉडी मैंने रियलाइज किया, तो वहां पर जाकर के मैंने सारी जब एनर्जीज को देखा, तो वहां पर भूत प्रेत भी थे, यक्षिणियां भी थी, किन्नर भी थे, गंधर्व भी थे, योगिनियां भी थी, सभी कुछ था, और हर प्रकार की आत्माएं मेरे सपनों में आकर के मुझसे बातें करने लगी। मुझसे ये भी उन्होंने कहा कि आप ये सिद्धि ले लो, आप वो सिद्धि ले लो, पर गुरुदेव की कृपा ऐसी थी कि जब जैसे ही मैं उस चीज को ग्रहण करने लगता लालच में आकर के, तो गुरुदेव न जाने कुछ ऐसा खटका करके आंखें खोल देते, यानी कि वहीं पर वो सपना जो था, जो सपने में जो चीजें प्राप्ति हो रही होती थी, उसी क्षण उस चीज को समाप्त कर देते थे। एक मुझे मुस्लिम साधक मिला, उसने मुझे एक दिव्य साधना दी, वो उनके धर्म की होती है, जो किसी
निचले लोक के जो योनियां होती है उन्हीं की साधना होती है, जिनको जिन बोलते हैं। तो मैंने भी शौक शौक में मैंने कहा चलो आज करके देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो उसने कहा कि आज रात को ही जो है तुझे जो गुरु था उनका, जो उन्होंने मुझे मौलाना जी थे, जो उन्होंने मुझे बताया कि आज रात को ही जो है ये जो जिन है ये तेरे पास आएगा, तुझसे आज के संपर्क करेगा, चाहे ये आदमी के रूप में आए चाहे ये औरत के रूप में आए, पर ये आके तेरे से संपर्क आज रात को जरूर करेगा। और तुम्हें 12 बजे जो है ये मंत्र इनका था वो पढ़ करके तुम्हें 11 बार इसको जो है सो जाना है। और मैं उसको पढ़ करके सो गया और ठीक 1:30 बजे का समय रहा होगा या 2 बजे का समय रहा होगा, एक 70-80 वर्ष की जो बूढ़ी महिला होती है सफेद बालों वाली, बहुत ही बदसूरत उसकी शक्ल थी, और ऐसी स्त्री मेरे सपने में आई और उसने बोला कि तू जिस चीज की साधना कर रहा है मैं आ गई। तो मैंने कहा मैंने तो अभी साधना की नहीं, मैंने तो अभी एक ही बार मंत्र जाप किया। मैं ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल मैं आमने सामने बैठ करके मेरे रूम में मेरे बेड के ऊपर आकर के वो बैठी, और मेरी वाइफ और मेरी मम्मी जो है वो नीचे जमीन पे गद्दा बिछा करके सोए हुए हैं और मेरी वाइफ बेड के ऊपर सो रही है मेरे साथ में, वो सब अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं और वो लेडी आकर के मेरे पास बैठ गई और मेरे से बात कर रही है। तो मैंने उनको कहा कि आप कौन हैं, आप कैसे आए, अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा कि जिसको तूने आज बुलाया है मैं वही हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसे ही देखने के लिए बुलाया था। वो कहते हैं देखने के लिए बुलाया या जिस भी कारण से बुलाया, पर बुलाया तो मैं आ गई हूँ, तो अब अपने दोनों मुठ्ठियां बंद कर और मुझे ग्रहण कर। तो उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्या दोगे। तो उन्होंने कहा जो तुझे चाहिए मैं तुझे वो दूंगी, पर तुझे मेरे कुछ कार्य करने होंगे। अभी वो अपनी शर्तें बताने ही लगी थी कि इतने में कुछ दरवाजा खटका, पता नहीं क्या हुआ, तो उसी समय पर मेरी आंख खुली। आंख जैसे ही खुली तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा हूं और बहुत गहरी नींद से उतरा, और उस समय मेरा सिर इतना भारी हो रखा था जैसे कि करीबन 100 किलो से भी ज्यादा वजन मेरे सर के ऊपर रखा हो। तो फिर मैंने अगले दिन उस मित्र को फोन किया। मैं रात को दोबारा आंख बंद करी, मैं सोचा कि मेरा संपर्क टूट गया है तो मैं फिर से संपर्क करूं। तो फिर वो दोबारा नहीं आई। तो फिर मैंने उसको सुबह जब फोन किया तो मैंने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। वो कहता है कि कोई अड़चन पड़ गई है जिसके कारण से वो तेरे को प्राप्त नहीं हुई। तो उसी वक्त मैं ध्यान में बैठा, फिर मैंने उसको बुलाया कि मैंने कहा चलो अब आ जाएगी। तो जब मैं फिर बुलाने लगा तो फिर वो नहीं आई। इस वक्त मेरे गुरुदेव आए और गुरुदेव ने आकर के मुझे ऐसे इशारा किया, नो, ऐसे नो का इशारा किया और अंतर ध्यान हो गए। बस 3 सेकंड के लिए गुरुजी आए और उन्होंने ऐसे ऐसे किया और चले गए, मना कर दिया। तो उसका इशारा जो गुरुजी का था उनका, वो ये इशारा था कि ये साधना जो है हमने जब तुझे कराई नहीं तो तू क्यों कर रहा है। तो ये जो साधनाएं हैं दोस्तों, ये हमें मृत्यु के उस जो हमारा आगे का जो पैटर्न है, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी मृत्यु होनी है, उस पैटर्न से ही हमें दूर कर देती है। तो इस चीजों से हमें सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब होता क्या है वास्तव में, जब एक नॉर्मल इंसान की एक्सीडेंट से मृत्यु हो या किसी भी कारण उसके जो कर्मों के अनुसार जब उसकी मृत्यु होगी, जब अपने शरीर को छोड़ के वो बाहर जाएगा, तो पूरे जीवन की यात्रा में जो जितना भी उसका क्रियामन कर्म, जितने भी उसने अपने इस प्रेजेंट लाइफ में कर्म किए, वो जो उसको प्रारब्ध मिली थी, जितनी उसने भोग ली वो, और जो उसका कई जन्मों का जो संचित कर्म उसके जीवन में पड़े हैं, वो सारे वहां पर मौजूद होते हैं। वो ऐसे मौजूद होते हैं जैसे एक भरा बाजार लगा हो, एक मार्केट लगी हो, एक पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी होती है। कौन सी तार कहाँ जुड़ रही होती है उसको कुछ नहीं पड़ रहा होता, कुछ भी इंसान को पता नहीं चलता, उस जीवात्मा को इतना भी पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, इसको मैंने कभी देखा है भी या नहीं देखा, ये मेरे किसी गांव का भी नहीं है, मेरे शहर का भी नहीं है, ये कौन, मैं कौन से शहर में आ गया जहां सब मुझे कोई भी नहीं जानता। ऐसी जगह पे जब लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, वहां पर कोई साउंड नहीं होती, वो आपसे बोल नहीं सकते, केवल एक ब्लैक सरफेस के अंदर आपको व्यक्ति का चेहरा साफ साफ पहचाना जा रहा होता है, आप उस व्यक्ति को पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति आपको दिखाई देता है। मैंने आज से 10 साल पहले अपने गुरु जी को एक बात बोली कि गुरुजी जितने भी हमारे नॉन में जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने शरीर छोड़ के जाते हैं, वो पता नहीं क्यों ध्यान में मेरे आते हैं और मेरे से बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो तेरे से कोशिश नहीं करते, वो तेरे आसपास ही कहीं भटक रहे हैं सब, वो तुझे दिखाई देने लग गए हैं। तो उन्होंने जब बताया
तो मैंने कहा ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मेरे सोसाइटी में रहते हैं, मैं उनको बस मेरे दोस्त के दादाजी हैं, मेरे दोस्त की दादी है, पड़ोस में कोई अंकल रहते थे उसके पिताजी हैं, वो बस आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे, पर वो मेरे घर में मेरे आसपास क्या कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय था, मैं इसमें और गहराई से उतरता चला गया। मैंने कहा इसको तो जानना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि जब आप भीतर गहरे उतरते जाते हो, जब उस लोक को देखना, जो फोर्थ डायमेंशन जिसको कहते हैं, जब आप उसको देखने लगते हो, तो वहां पर जो भी एनर्जीज आपके आसपास हैं, वो सारी एनर्जीज आपको दिखाई देना शुरू कर जाती है। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मगर वो ये चाहती है कि आपके आसपास रहें। कुछ ना कुछ उनका आपसे कार्मिक संबंध होता है, जिसके कारण वो आपके आसपास ही जन्म लेना चाहती हैं। जैसे कि आपका किसी के साथ कुछ लेना देना पेंडिंग है, तो वो आत्मा आपके लिए 100 साल तक भी इंतजार करेगी कि कब आपका जन्म होगा कहीं, और वो आपके अकॉर्डिंग उसी हिसाब से अपना जन्म तय करेगी। तो ये चीजें गुरु जी बताते थे। जब स्टार्टिंग में हम ध्यान साधना शुरू की थी, तो ये सब चीजें सुनकर के बहुत अजीब लगता था। ऐसा लगता था कि ये तो बिल्कुल असंभव सी बातें, ये तो बिल्कुल चित्रकलाएं कहानियां हैं, ये तो हमारे समझ से बाहर है, और ये सब पता नहीं होता भी है या नहीं होता, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उस वक्त ऐसा लगता था। तो जब मैं साधना में और डीप उतरता गया, तो जब अपनी आंखों से जो 25 साल पहले एक बुजुर्ग, जब मैं बहुत छोटा था, जब वो गुजरा, वो हम जहाँ पहले जिस घर में रहते थे, वो उसके घर की बैक साइड में रहता था। तो उनके घर में हम उनकी छत पे रोज खेलते थे, वो हमको खाने के लिए टॉफियां दे देते थे, कभी कुछ भी हमें जैसे कोई बिस्कुट वगैरह दे देते थे। बहुत बुजुर्ग थे, चश्मा लगा हुआ था इतना मोटा। तो वो जो दादाजी थे जो पीछे घर में रहते थे, उनकी चेतना तक मुझे दिखाई दी। वो ब्राह्मण थे, और कमाल की बात मैं ये सोचता था कि ये व्यक्ति मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस बात की घटना के 10 साल के बाद उनके बेटे का जो मकान था वो मैंने खरीदा। आप इस चीज को समझिए, उसी जो अंकल जी थे, जो बुजुर्ग थे, 10 साल के बाद कोई कारण नहीं था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं उसकी जो लैंड थी उसको खरीद सकता। न जाने कैसे संजोग बना कि मैंने उसी अंकल जी के जो बेटे का जो मकान था, जो हमारे शॉप के बिल्कुल पीछे टच होता था, मैंने उसको खरीदा। तो मुझे पता चला कि इसका और मेरा जो क्या कर्म का संबंध था, जो अभी तक वो मुझे व्यक्ति दिखाई दे रहा था, यानी कि वो जगह जो थी, जो उसकी भूमि थी, वो मेरे भाग्य में आ गई थी। इतना कर्म संजोग चेतनाओं के साथ जुड़ा होता है। और मैंने अपनी जीवन की हर एक घटना में, मेरे को ये तक पता है कि जो मेरे घर में मेरा बेटा जन्म लिया, वो कहाँ से आया है, वो कौन सी चेतना है, मैंने उसको कैसे आवाहन किया, मैं एक एक चीज जानता हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज को अपने गुरुजी के हिसाब से प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा। और वो सारी चीजें मेरे को जो जो समय निर्धारित किया गया, हर एक घटना उसी समय के आधार पर मेरे जीवन में घटित। तो इतना गुड़ ये रहस्य। अब मृत्यु की जो बात आती है, वो भी इसी आधार पे एकदम सटीक बैठती है, और ना सिर्फ बैठती है, मैंने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि चेतना जो है अपना शरीर छोड़ने के बाद, जब वो बहुत ज्यादा प्योरिटी के लेवल में जाती है, तो वहां उसने जो जो बुरे कर्म किए होते हैं, वहां पर उसको उस चीज का रियलाइज होता है। वो रोती है, वो तड़पती है कि मैंने इतने बुरे कर्म कैसे किए। जब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, वो अपने आप, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी मैं इसको नहीं कहूंगा, जब हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, जब कुंडलिनी जो जिसको कहते हैं ना रक्त बीज का भक्षण करती है, रक्त बीज राक्षस कौन था, जिसके एक रक्त की बूंद से और रक्त पैदा होते हैं। तो जो हमारे कर्म होते हैं ना, एक बुरा कर्म दो और बुरे कर्म करने के लिए मजबूर करता है, फिर उससे दो डबल 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 कई लाखों गुना हो जाते। तो जब मैंने वो चीजें देखी, तो मैंने वहां देखा कि मुझे इतना पश्चाताप क्यों हो रहा है, जब ये कर्म करते हुए मैंने नहीं सोचा। तो अब जब मैं ध्यान में जाकर के, जब मुझे वो सारी चीजें एक LED टीवी की तरह मेरे सामने जब मुझे वो कर्म किए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे इतना ज्यादा रोना क्यों आ रहा है। और जब मैंने अपनी आंखें खोली उस साधना के बाद, तो इतने मोटे मोटे आंसू मेरी आंख से गिर रहे थे। मैं इतना स्ट्रॉन्ग हार्टेड अपने आप को मानता था कि मैं कभी भी किसी भी स्थिति में रोता नहीं, चाहे कितना भी मेरे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, मेरे आंसू नहीं आते थे। पर उस घटना को देखा तो ठंडे बर्फ की तरह ठंडे आंसू मेरी आंखों से गिर रहे थे। तो मैंने गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने कहा आंसू ठंडे थे या गर्म थे। मैंने कहा गुरुजी आंसू तो बिल्कुल ठंडे थे, जब मैंने पहुंचे तो मेरा हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया, इतने ठंडे आंसू आ रहे थे।
तो गुरु जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी घटना घट गई, मुबारक हो। तो गुरु जी ने मुझे बधाई दी। तो मैंने कहा गुरु जी मैंने तो इतना कुछ देखा, मुझे रोना आ रहा है, आप मुझे बधाई दे रहे हो। कहते बधाई किस लिए दे रहा हूँ कि तेरे कर्म कट गए, और रोना तुझे इसलिए आना चाहिए कि तूने ऐसे कर्म किए थे, अब आगे के लिए सोच ले कि तुझे क्या करना है। तो वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद जाकर के जब मैंने उस चेतना की अपनी अवस्था को देखा कि वहां जाकर के चेतना परमात्मा से खुद अपने मांग करके डिमांड करती है कि हे प्रभु मैंने ये कर्म किया है, मैंने ये गलत किया है, मुझे इसकी सजा दो। वो अपने आप के लिए खुद सजा को क्रिएट करती है आत्मा। आप सोच सकते हैं कि अगर आप में से किसी भी व्यक्ति की कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, जो आपको अभी आपके कॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता है, पर आपका अचेतन जानता है कि आपकी मृत्यु कब होनी है और किस क्षण में होनी है। अंदर एक और माइंड बैठा है, आपका अचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, आपने आजकल बहुत सुना होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी डेथ की डेट पता है, आपकी डेथ का टाइम पता है, आपकी डेथ का कारण पता है। और कितनी बार हम उस कारण को बदल देते हैं, सिर्फ साधना के द्वारा उस वजह को बदल देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो कारण वैसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं, पर जब एनर्जी इतनी हाई हो जाती है और वो मृत्यु को निर्धारित कर चुकी होती है, तो उसी तरह से उसी कारण से ही मृत्यु आपके जीवन में आती है। अगर जब साधक बनते हो तो जब होने वाली घटनाओं को पहले ही देखने लगते हो, तो करीबन 3 महीने का समय होता है अगर कोई गंभीर बीमारी आपको आने वाली है, तो गंभीर बीमारी आने से पहले ही 3 महीने पहले आपके जो ऑरा है, आपका ऑरा मंडल है, उस ऑरा मंडल के अंदर वो बीमारी आकर के आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि अब मुझे ये बीमारी होने वाली है। अब साधक के लिए समस्या यहाँ पे क्या खड़ी होती है, आप देखना जितने भी गहरे साधक हुए, जितने भी बहुत डीप लेवल के साधक हुए, उनकी समस्या उनकी किसी ना किसी गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हुई। उसका कारण क्या है, क्योंकि सपेरे को, जो कहते हैं सपेरे के बेटे को अगर सांप काट ले ना तो उसका झाड़ा उसके ऊपर असर नहीं करता। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो उस झाड़े के असली सीक्रेट को जानता है कि उस झाड़े जो झाड़ फूक की जाती है उसका सीक्रेट क्या है। अगर उसको ये वजह ना पता होती तो शायद वो अपने बच्चे को उस दुख से बचा सके, मगर अफसोस उसको ये कारण पता होता है इसलिए वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता। वो देख लेता है कि मेरे ओरा में ये बीमारी आ गई, अब वो उसको एनर्जी देगा तो एनर्जी से वो चीज जो है और ज्यादा डेवलप होगी। अब उसको रिमूव करने का कोई साधन नहीं है, बस अब वो ये साधना कर सकता है कि जितना ज्यादा हो सकता है कि अपने ऑरा को और अपनी बॉडी को डार्कर एनर्जी से बचा करके रखे, और जिस कर्म के तहत वो एनर्जी आई उस कर्म को मानसिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से और अपने अचेतन रूप से, जो तीसरा मैंने बताया ये सबसे कठिन है। मानसिक रूप से आप अपने आप को बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो, अपने शरीर से आप बचने की कोशिश करते हो कि आपको लगता है कि एक्सीडेंट का विचार आ रहा है तो आप गाड़ी ध्यान से चलाना शुरू कर दोगे, पर आपको क्या पता कि ऊपर से आगे कोई हेलीकॉप्टर आपकी गाड़ी के ऊपर गिर जाएगा तो आप क्या करोगे। अगर मृत्यु का कारण आपने निर्धारित कर लिया है तो फिर उसी जगह पे उसी समय पे आपकी मृत्यु आएगी। आज इस मृत्यु के डर को हमेशा के लिए आपको समाप्त करना है। इस चीज को ऐसे समझ लो कि बार बार मृत्यु के बारे में चिंतन करना छोड़ दो, और एक ही विचार को अपने मन में डाल लो कि जो भी जो साधक नहीं है ये उनके लिए है, जो साधक है जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको अपनी मृत्यु खुद चुननी है, अपनी मृत्यु का समय चुनना है, अपनी मृत्यु का स्थान चुनना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी कीड़े मकोड़े की मौत नहीं मरना है, एक साधक की मृत्यु मरना ही आपका जीवन से अधिकार है। और जो साधक नहीं है, जो कई लोग कहते हैं गुरुजी बहुत नेगेटिविटी आ रही है, रोने लग जाते हैं, डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रात को उठ उठ कर रोज जोर से रोते हैं क्योंकि मृत्यु के डराने भयानक सपने आते हैं, उनको क्या करना है, एक विचार को साधना है, एक विचार की साधना करनी है कि हे भोलेनाथ या हे मेरे ठाकुर जी, जिस भी भगवान को आप अल्लाह को मानते हो, आप गुरु नानक जी को मानते हो, किस भी भगवान को आपकी श्रद्धा है भगवान के प्रति, आपको उस भगवान से, उस अपने इष्ट देव से केवल ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु जब भी मेरी मृत्यु आएगी, मेरी मृत्यु का समय तूने चुन रखा है और मैं उसी मृत्यु मरूंगा, मेरे को उससे पहले कोई मार नहीं सकता। इस विचार को रोज सुबह उठ के 5 बार कर लो अगर आपको मृत्यु से डर लग रहा है। इसमें समझने की सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये विचार करने से एक तो आपकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा बनेगी, प्लस जब आप विचार करोगे
तो कम से कम जो ऑलरेडी अचेतन में आपने विचार मृत्यु का डाल लिया है वही कार्य करेगा। पचासों हजारों कारण आप रोज रोज निर्मित नहीं करोगे। ये जो आप न्यूज देखते हो, मैंने 2 साल पहले एक वीडियो में बताया था कि जितने भी न्यूज में आप सब देख रहे हो, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट, बम बारूद, गोली, तलवार, तोप, तलवारें, बंदूकें, ये सब जो आप न्यूज में देखते हो, लाखों लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऐसे डिजास्टर्स को अपने दिमाग के अंदर फीड कर रही है। और ये जो आप पूरी एनर्जी को अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, अपनी आंखों से ऐसे दृश्यों को जब आप देखते हो, तो आपका जो अचेतन मन है उन्हीं पिक्चरों की फोटो खींचता है, उन्हीं दृश्यों की फोटो खींचता है, और फिर ब्रह्मांड में आप उसी एनर्जी को रेडिएट करते हो। कलेक्टिवली दुनिया के 800 करोड़ लोग एक महायुद्ध को क्रिएट कर रहे हैं दिमाग में। युद्ध होने वाला, परमाणु फटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। देखो हो गया। अब ये क्रिएट किया जा रहा है कि दुनिया ही समाप्त हो जाएगी अभी भी, और ये होगी। ये आज हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, ये होनी कन्फर्म है। परमाणु जरूर फटेगा, क्योंकि परमाणु के इतने दृश्य इन लोगों ने पहले दिखाए हैं। न्यूज वाले जो हैं वो दोस्तों सबसे ज्यादा संसार के अंदर नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। और आपको चाहिए कि जितना हो सके, अगर आप कॉन्शियस नहीं हो न्यूज देखने के प्रति, तो ऐसी नकारात्मक न्यूज आपको बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, नकारात्मक दृश्य नहीं देखने चाहिए। कई बार लोग हाईवे से जा रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है रास्ते में, कोई व्यक्ति मर गया, गाड़ी रोककर उसको देखने लग जाते हैं कैसे मरा, उसके वीडियो बनाने लगते हैं। वो तुम वीडियो नहीं बना रहे, वो तुम अपने दिमाग में एक बहुत बड़ी, अपने लिए एक बहुत बड़ी डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो। और जब तुम उसको फेसबुक पे शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, तो कितने लोगों के मन में तुम नकारात्मकता का बीज बोते हो। इंसान का मन एक खेती की तरह है, जो बीज आप वहां पे डालोगे वहां से वैसा ही पेड़ निकल के आ जाएगा। अगर आप अच्छे विचार करोगे, आप देखो इस्कॉन वालों को देखो, हरे कृष्णा का जाप कर रहे, वो कभी मृत्यु के बारे में चर्चा ही नहीं करते, चिंतन ही नहीं करते, उनका पूरा चिंतन ईश्वर के प्रति है। पर आपका चिंतन कहाँ होना चाहिए, ईश्वर के प्रति होना चाहिए। जिस भी तरह, जो भी गुरु से आपने साधना लिया, ज्ञान प्राप्त किया है, उन्हीं की बातों पे चलकर वैसा चिंतन आपके जीवन में होना चाहिए। परंतु आप क्या चिंतन कर रहे हो, मृत्यु, बम बारूद, गोले, आग, तूफान, बवंडर, यही सब क्रिएट कर रहे हो, बाढ़, सूखा, केदारनाथ में बम फट गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह के जो विचार आप करते हो, योर थॉट्स आर एनर्जीज एंड एनर्जीज आर द प्रोडक्ट्स। जो चीज आप रेडिएट करोगे वही सामने निकल के आपको मिलना है, गिफ्ट पैक करके। और अब आप सोच लो कि आप क्या रेडिएट करोगे। और जिसकी कुंडलिनी जागृत है और वो व्यक्ति जब कुछ रेडिएट करता है, तो वो तो एक बारूद से कम नहीं है। और वो जब मार अनुचाटन, वशीकरण, स्तंभन है, इस प्रकार के जब वो प्रयोग करने में लगा है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं मैं समझता, जो खुद किसी और के लिए पैसे लेकर कर्म कर रहा है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। वो अपनी सारी शक्ति जो है किसी और के लिए, कुछ पैसों के लिए खराब कर रहा है, और इतनी बड़ी शक्ति है, इससे संसार के कल्याण में लगा सकता है। संसार में कितने लोगों की जीवन पे संकट है, उसको बचाने के लिए लगा सकता है अपनी उस एनर्जी को। परंतु लोग पैसों के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि सच्चाई को भूल चुके हैं। और सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आप सच्चाई पे चलोगे ना, तो पैसा भी पीछे पीछे आएगा। तो दोस्तों, मृत्यु का समय ईश्वर ने तो आपका फिक्स करके रखा है, परंतु आपकी जो चेतना है, वो जैसा कर्म आप करते हो, आप किसी का दिल दुखा करके देख लो, आपके अंदर से ग्लानी अपने आप आएगी। और जिसकी ग्लानी आना बंद हो जाए, या उसका जमीर, जिसको कहते हैं कि तेरा जमीर ही मर गया, तो उस व्यक्ति से खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं है। अपने उसके लिए, स्वयं के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए वो खतरा पैदा करेगा। क्योंकि हमारी एक आत्मा ही तो है जो हमें बुराइयों से बचाती है। अगर हमने उसको ही कुचल दिया, तो बस फिर कुछ नहीं बचेगा। और कौन आत्मा को कुचल रहा है? यहां पर मन आत्मा को नहीं कुचल रहा है, यहां पर आत्मा ही स्वयं को कुचलती है, क्योंकि वो अपने मन के कहने पे चल करके संसार का बुरा करती है। और जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों का फायदा उठाते हुए नहीं सोचते, तो आप देख लो उनका अंत क्या होना है। क्योंकि एक एक कर्म आपका लौट करके वापस आना है। आप कितना भी अंग्रेज बन दो कि मेरा कर्म नहीं आएगा, मेरा तो मैं इसके समर्पित कर दूंगा, हरिओम तत्सत बोल दूंगा, मैं दान पुण्य कर लूंगा, मैंने बुरा किया तो अच्छा करके उसको प्लस माइनस कर लूंगा, नहीं होगा। ये आपको चुकाना पड़ेगा। आप आज चुका लो उसके, कल चुका लो, परसों चुका लो, देने जरूर आना पड़ेगा। और जितना इंसान इस संसार में, जिसका किसी का भी आपने कर्ज देना है, तो कोशिश करो कि परमात्मा से प्रार्थना करके
अपने सारे कर्ज अपने जीते जी उतार लो, बल्कि किसी पर चढ़ा दो, अगर चढ़ा सकते हो तो आने वाले समय में तुम्हारे काम आएगा। कि कोई किसी ने तुम्हारा कुछ देना है तो उसको हाथ जोड़ के क्षमा कर दो, नहीं देता कोई बात नहीं, अपना हक के लिए लड़ाई करना बुरा नहीं है, अपने हक के लिए लड़ाई करो। अगर वो नहीं दे रहा, वो कहीं ना कहीं उसका उसके बच्चों तक को उस चीजों का भुगतना पड़ेगा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, वो कितना भी क्लेवर क्यों ना हो, उसके कर्म उसके पास वापस आने हैं। आपको समझदार बनना है, आपको ईमानदारी पे चलना है, आपको भगवान के रास्ते पे चलना है। तो भगवान ने कहा है कि एक भी दिल किसी का ना दुख जाए, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनको कपट छल नहीं भाते, जिसका मन निर्मल है उसी के लिए भगवान का दरवाजा खुलता है और वही व्यक्ति भगवान तक पहुंचता भी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में अच्छे से सारी जानकारी समझ आई होगी। और आज के बाद मृत्यु से डरना बंद कर दो, केवल भगवान के चिंतन में लगे रहो, अपनी साधना करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो, जो भी भगवान ने दिया सेवा करो, संकीर्तन करो, जितना हो सकता है म्यूजिक सुनो, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनो, पॉजिटिव, ये नहीं कि नेगेटिव गाने सुनने, नेगेटिव गाने नहीं सुनने, दुख भरे गीत नहीं सुनने। दुख भरे गीत सुनोगे, अभी आप देखो सिद्धू मूसेवाला क्या क्रिएट कर रहा था अपने लिए। सिद्धू मूसेवाला ने जितने भी सॉन्ग्स बनाए, एक एक सॉन्ग उसकी डेस्क के ऊपर फिट बैठ गया। कैसे बैठ गया आप कभी सोच सकते हो? क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज को लिखता है ना, ही वॉज द राइटर ऑल्सो, जब वो व्यक्ति अपने गाने लिखता था तो वो डीप अचेतन में से उन थॉट्स को बना करके, कैसा हो सकता है, ऐसा होगा, मेरी कामयाबी होगी, लोग मुझसे जलेंगे, मुझे गोली मार देंगे, ऐसा ऐसा सोचता था ना। तो जो राइटर होता है वो एक समुद्र के भीतर जाकर के एक वर्ड्स का मोती निकाल करके लाता है। तो ही वाज़ अ पर्ल, बट उसने अपनी उस क्षमता को किस तरह से यूज किया, एक नेगेटिव चीज लिखी समाज के लिए, बंदूक बारूद और इसी प्रकार के गाने लिखे कि जो ताकतवर होता है उसके पास हथियार होता है, और हथियार ही उसकी मृत्यु का कारण बना, क्योंकि ये जो अचेतन मन था उसका, ये उसकी मृत्यु को क्रिएट कर रहा था। मैंने उसकी कुंडली का एनालिसिस किया उसकी डेथ के बाद, मैंने कहा देखो सही क्या हुआ, मैंने यूट्यूब चैनल पे उसकी कुंडली पोस्ट भी की है, उसमें देखो उसके शनि मंगल राहु यही सब उससे करवा रहे थे पूरी जिंदगी से। उन्होंने उसको पैसा फेम नेम बहुत कुछ दिया, मगर बदले में क्या दे दिया, एक दुखद मृत्यु, जो परिवार के लिए भी कष्टकारक बनी और एक समाज के लिए भी एक दुख देने वाली बनी। क्योंकि जो आजकल का यूथ है वो ऐसे गानों को बड़ा खुश होकर सुनता, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे अपनी जो हम अहंकार हम भरने वाले जो सॉन्ग है कि हम बहुत पावरफुल हैं, और इस तरह के गाने सुनने से हम मोटिवेट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं यूथ। तो इन चीजों से आपको सावधान रहना है, यही आपका जो माइंड है यही आपका दोस्त है, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर लो, इट्स टोटली इन योर हैंड्स। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते, आज के लिए इतना ही, नमः शिवाय।